नमस्कार, न्यूविजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत छे। आपणे धोरण 6 विषय संस्कृत प्रकरण 4 पहेलिका एटले के उखाणा अथवा कोयडा अथवा पहेलिकाओ। आजे आपणे पहेलिका विषयनो अभ्यास करवानो छे। पाठनो परिचय के प्राचीन समय में उखाणाओ के पहेलिकाओ द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की कसोटी करवामां आवती आवी ज केटली पहेलिकाओ प्रस्तुत पाठ में आपवामां आवेली छे, जेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। शब्दात पूछम एटले के पीछू, वसामी एटले के रहू छू, धारियामी एटले के धारण करू छू, नेत्रियम एटले के त्रण नेत्रो, लोकमित्रम तो लोकोना मित्र, लोक एटले के लोको, मित्रम एटले के मित्र अथवा दोस्त के लोकोनो मित्र, कह एटले कोण, ददामी एटले के आपू छू, अस्मी एटले छू। साथे साथे बीजा पाठमां आवता शब्दार्थनो पण अभ्यास करिए। कंठह एटले के गळू अथवा कंठ अथवा गळानो भाग, नीलह एटले के नीलो अथवा भूरो। कंठह नाम विशेष्यनु विशेषण छे। वर्षाकाले एटले वरसादना समये, पूछम एटले के पीछू, अतीव संधि छूटी पाड़ीए तो अति प्लस यू, अति एटले के अंत्यंत अथवा खूब वधारे। कह एटले के कोण, प्रश्नवाचक सर्वनाम छे। कह किम नो पुलिंग प्रथमा एक वचन। छाया एटले के छायडो, ददामी एटले के आपू छू, दा छे ये धातुनो परस्मै पद वर्तमानकाळ, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम एटले के कर्तानो क्रियापद, अहम एटले के हूँ। फलम एटले के फळ, पुष्पम एटले के फूल, अपी एटले के पण आ अवयव छे। हिमालय एटले के हिमालयमां, वसामी एटले के वसु छू अथवा रहू छू, वस एटले के धातुनो वर्तमानकाळ रूप छे, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम कर्तानु क्रियापद एटले के हूँ। गंगाम एटले के गंगा ने, धारियामी एटले के धारण करू छू। नेत्रम एटले के त्रण आँखो, अस्थि एटले के छे, अस धातुनु वर्तमानकाळ रूप, अन्य पुरुष एक वचन। नेत्रयम कर्तानु क्रियापद, उत्तरे एटले के उत्तरमां अथवा उत्तर दिशामां, दक्षिणे एटले के दक्षिणमां दक्षिण दिशामां। त्रिवर्ण एटले के त्रण रंगोवाळो, राष्ट्रध्वज एटले के नामनो विशेष्यनो विशेषण छे के राष्ट्रध्वज। पुस्तकालय एटले के पुस्तकालयमां, लोकमित्रम एटले के लोकोनो मित्र, अस्मि एटले छू, अस धातुनो वर्तमानकाळ रूप, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम कर्तानो क्रियापद। कि मम कंठ नील वर्षाकाले, अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम, अहम कह। मम एटले के मारो, कंठ एटले के कंठ गळानो भाग, नील एटले के भूरो, अस्थि एटले के छे, अहम एटले हूँ, वर्षाकाले एटले वरसादना समयमां, नृत्यामि एटले नृत्य करू छू, मम एटले मारू, पूछम एटले पीछू, अतीव एटले के अंत्यंत, सुंदरम एटले के सुंदर छे, अहम एटले हूँ, कह एटले के कोण छू। मम कंठ नील वर्षाकाले, अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम, अहम कह। भाषांतर, मारो कंठ गळानो भाग नीलो अथवा भूरो छे, હું વરસાદના સમયમાં નૃત્ય કરું છું, મારું પીછું અત્યંત સુંદર છે, હું કોણ છું,
तो जवाब आवशे मोर। अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि, अहम कह। अहम एटले कि हूँ, छायां एटले कि छाइंडो, ददामि एटले आपू छू, अहम एटले हूँ, फलम एटले कि फल, ददामि एटले कि आपू छू, अहम एटले हूँ, पुष्पम एटले कि फूल, अपि एटले पण, ददामि एटले के आपू छू, अहम एटले के हूँ, कह एटले के कोण छू। अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि, अहम कह। तो भाषांतर, हूँ छाइडो आपू छू, हूँ फल आपू छू, हूँ फूलो पण आपू छू, तो हूँ कोण छू? तो जवाब आवशे वृक्ष। अहम हिमालये वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्रयम् अस्ति, अहम कह। अहम एटले हूँ, हिमालये एटले हिमालयमा, वसामि एटले वसु छु अथवा रहू छु, अहम एटले हूँ, गंगा एटले के गंगाने, धारयामि एटले के धारण करू छू, मम एटले मारू अथवा मारे, नेत्रयम एटले के त्रण आँखो, अस्ति एटले के छे, अहम एटले के हूँ, कह एटले के कोण छू? के अहम हिमालये वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्रयम अस्ति, अहम कह। तो भाषांतर, के हूँ हिमालय में वसु छु, हूँ गंगा ने धारण करू छु, मारे त्रण आँखों छे, हूँ कोण छू? तो भगवान शंकर अथवा भगवान शिव, महादेव। मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्णः, अहम् का। मम एटले मारी, उत्तरे एटले के उत्तर दिशामा, हिमालये एटले के हिमालय छे, मम एटले के मारी, दक्षिण एटले के दक्षिण दिशामा, सागर एटले के सागर छे, मम एटले के मारो, ध्वज एटले के ध्वज, त्रिवर्ण एटले के त्रण रंगोवाळो तिरंगो छे, अहम एटले के हूँ, कह एटले के कोण छू? के मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्ण, मम ध्वज त्रिवर्ण, अहम का। भाषांतर जोईए कि मारी उत्तर दिशामां हिमालय छे, मारी दक्षिण दिशामां सागर छे, मारो ध्वज त्रण रंगोवाळो तिरंगो छे, हूँ कोण छू? तो जवाब आवशे भारत माता।